गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज मैं इसमें बात करूंगा कि जो ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगा जो सारे ही प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही बेनिफिट वाला फर्टिलाइज़र है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली प्लांट अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स घर में अपने खुद बना रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जो किचन वेस्ट है, जो किचन वेस्ट हम ज़रूरी मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं वो फेंक देते हैं, आप उसको रीयूज़ कर रहे हैं और उसको गार्डनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे जो पर्यावरण है, इसमें जो एनवायरनमेंट है वो बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है उसको। हम जो है वेस्ट जो है वो एनवायरनमेंट में कम जमा होने दे रहे हैं। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स अगर आप यूज़ करते हैं अपने गार्डन में तो प्लीज़ करते रहिए और दूसरे दूसरे विकल्प भी ढूंढते रहिए जो आप अपने गार्डन में अप्लाई कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा हो सके लोगों को ये इनक्रेज करिए कि वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें और जो अपना किचन वेस्ट है वो ना फेंकें। आप एक कंपोस्ट पिट बना सकते हैं जिसमें आप सारा का सारा किचन वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं और उसका कंपोस्ट बना के अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आपके प्लांट्स को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी उस फर्टिलाइज़र से। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं जेरेनियम का प्लांट है, इसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें बड भी फॉर्म हो रही है, इसमें लीव्स की भी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें ओवरऑल जो डेवलपमेंट है प्लांट की वो बहुत अच्छी है। तो ये फर्टिलाइज़र का नाम है फ्रेंड्स लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये जो लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, एक एल्गी से मिलता है, एक एल्गी होती है जो अंडर वाटर होती है या रिवर्स या जितने भी जो पानी है, समुद्र है, रिवर है, वहाँ पे ये एल्गी होती है, उनका ये एक कॉन्सेंट्रेट होता है जो तैयार हुआ है और इसको हम डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं और ये सॉइल एनरिचमेंट और प्लांट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स वाले प्लांट्स हैं या फ्रूट वाले प्लांट्स हैं जिनकी आप ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं, तो आप जो लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो उसमें डाल सकते हैं। अब इस एक्सट्रैक्ट को आपने यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स, इसकी जो यूजेज है वो ऐसी है कि आपने 1 लीटर पानी में 1 ml जो है एक्सट्रैक्ट की मैंने निकाल रखा है, ये मेजरिंग कप है जो इस लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ ही आया है, आप इसमें नाप के डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 ml। ये मैंने 1 लीटर पानी में 1 ml डाल दिया है और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगा अपने प्लांट में अप्लाई करने से पहले। फ्रेंड्स, जो ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है इसको, इसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके प्लांट को बाकी खादों से नहीं मिल पाते। अगर आप बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो वो करते रहिए, लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आप महीने में एक बार या हर 20 दिन में एक बार अपने प्लांट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। और ध्यान रहे, आपने ये वाला जो फर्टिलाइज़र है काफ़ी पावरफुल फर्टिलाइज़र है, तो कॉन्सेंट्रेट को आपको डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बिना पानी में डाइल्यूट करें इसको अपने प्लांट में ना दें, नहीं तो आपके प्लांट को फ़ायदा तो नहीं पहुंचेगा लेकिन नुकसान उल्टा और पहुंच जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने एक छोटा सा कप रखा हुआ है, इसकी जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो 100 ml है। आपने 100 ml से ज़्यादा किसी भी प्लांट में ये वाला फर्टिलाइज़र नहीं देना, ये एक रिकमेंडेड क्वांटिटी है जो आप अपने प्लांट्स को देना चाहते हैं। आप ये वाला जो है कभी भी रूट के पास नहीं देंगे, रूट के थोड़ा सा साइड से ये फर्टिलाइज़र यहाँ पे ऐसे दे देंगे। ये फर्टिलाइज़र हमने अपने प्लांट को दे दिया है और ये जो फर्टिलाइज़र है मैं अपने प्लांट्स में रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये सिर्फ एक प्लांट है, मैं बाकी प्लांट्स में भी आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आप यूज़ करें, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं वो लॉन्ग टर्म में अपने प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी रखता है और जो सॉइल होती है वो अच्छी रखता है। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या काम करते हैं हम पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये जब आप सॉइल में मिलाते हैं, सॉइल सिस्टम में मिलाते हैं, तो सॉइल के अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और इन फर्टिलाइज़र्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो डिकम्पोज करते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो वो डिकम्पोज करते हैं वो प्लांट्स को मिलना शुरू हो जाते हैं और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के लिए। बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आते हैं, जैसे आप बनाना पील फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जो घर पे ही बना सकते हैं, अंडे के छिलके आते हैं, अंडे के छिलकों का एक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं वो अपने पौधे को दे सकते हैं,
चाय पत्ती इस्तेमाल कर जा सकते हैं, और किचन वेस्ट जितना भी है वो आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उसको ना फेंकना चाहें तो। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं ये आपके प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा पहुंचाएंगे और ग्रोथ करेंगे। तो ये मेरे हिसाब से प्लांट्स के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो आप अपने पौधों को भी दे सकते हैं। ये वाला प्लांट जो फर्टिलाइज़र है मैंने तो वैसे ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन आप किसी भी प्लांट शॉप से इसको ले सकते हैं। तकरीबन 300 रुपये का मुझे मिला था ये, और ये मैंने फिर अपने प्लांट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और आप भी ज़रूर इसको यूज़ करें। अगर आप कोई और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स अपने प्लांट्स में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए। मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन से फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।